पुराने जमाने के राजाजवाड़ों के अलग ही शौक होते थे। किसी को युद्ध का शौक होता है तो कुछ राजाओं को खाना खाने और पकाने का भी शौक रहा है। वहीं कुछ राजा ऐसे भी होते थे जिन्हें अपने हरम में सैकड़ों रानियां रखने का भी शौक होता था। इतिहास में मोरक्को के अल्वैत वंश के इस राजा की कहानियां खूब मशहूर हैं। अपनी क्रूरता और हजारों औरतों के साथ संबंध रखने के लिए इस राजा की चर्चा खूब होती रही है। इस राजा के 500 से ज्यादा रखेल और 1000 संतान होने के सबूत मिले हैं। इस वीडियो के जरिए हम आपको इसी मशहूर और बदनाम राजा इस्माइल इब्न शरीफ के बारे में बताएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलते रहें। यह दास्तां है उस क्रूर और निर्दयी सुल्तान की जिसने मोरक्को पर पूरे 55 साल हुकूमत की। मोरक्को के इतिहास में इतने लंबे वक्त तक राजगद्दी पर और कोई सुल्तान कभी नहीं बैठ पाया। इतिहास के पन्नों में रोंगटे खड़े कर देने वाले उसकी बर्बरता के कई किस्से दर्ज हैं। साथ ही दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम, दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चों को जन्म देने वाले पिता के रूप में। मौला इस्माइल का जन्म 1645 के आसपास मोरक्को के प्राचीन नगर सिजलमासा में हुआ था। वह अलौइत राजवंश का दूसरा सुल्तान था। मौला अपनी क्रूरता और आशिक मिजाजी को लेकर खूब चर्चा में रहे। यूरोप के लोग उसे खून का प्यासा सुल्तान कहते थे। बताया जाता है कि उसने मोरक्को के फैज नगर में 400 बागियों के सिर कटवा कर अपने शासन की शुरुआत की। इन बागियों के कटे सिरों को फैज की ही एक दीवार पर लाइन से लटका दिया गया। 55 साल के उन्हें अगर कोई देख भी लेता तो वह उसकी जान ले लेता था। यही कारण था कि उसकी रानियों और रखेलों के सामने दूसरे मर्द पेट के बल जमीन पर लेट कर जाते ताकि उनकी नजरें गलती से भी मौले की किसी औरत या उनके रखेलों पर न पड़ जाए। उसके राज्य में अगर कोई औरत अपने पति को छोड़ किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाती पाई जाती तो वह उसके स्तन कटवा देता, दांत उखड़वा देता और उसे फांसी पर लटका देता था।